हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो तो बेसिकली एक वीडियो ना हो के एक आर्ट चैलेंज है जो मुझे दिया था रति प्रिया ने, और मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा और ऐसा कुछ मैंने पहले किया भी नहीं था। सो आई थॉट कि वाई नॉट इसको अटेम्प्ट दिया जाए। आई विल बी कलरिंग चिल्ड्रंस कलरिंग बुक विथ मिक्स मीडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे पास एक घर पे ही मेरी छोटी बहन का कलरिंग बुक था, सो मैंने उसको ले लिया। काफी पेजेस तो इसमें कलरिंग किए हुए हैं, सो मैं उसको नहीं चूज करके मैं एक रैंडम मैंने ये जैस्मिन को सेलेक्ट किया है पेंट करने के लिए। सबसे पहले हम अपना ड्राइंग को ट्रेस कर लेंगे, और मैंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़े और एलिमेंट्स ऐड कर दूंगी बैकग्राउंड में और इस पेंटिंग को और कंप्लीट करूंगी। हमारा स्केचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम अपना कलरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूज किया है पेंसिल कलर एंड वाटर कलर। सो यस गाइस, मैं वाटर कलर एंड पेंसिल कलर को यूज करके इस पेंटिंग को कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने पेपर पे वाटर अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपना कलर स्प्रेड करूँगी। सो यहाँ पे हम बेसिकली वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं वाटर कलर को अप्लाई करने के लिए। सो हम इसी प्रोसेस का यूज़ करके अपने सारे जितने भी एरियाज है उसको एक एक करके पेंट कर लेंगे। मैं सेम वही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। मैं अपना कलर ले रही हूँ वाटर कलर को एंड उसको पानी के हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ सारे जगह पे। इसी प्रोसेस का यूज़ करके हम सारे पार्ट्स को कलर कर लेंगे बैकग्राउंड के। अब हम अपने मेन जो फोकस होगा जैस्मिन, उसके ड्रेस पे कलर फिल कर रहे हैं। सो मैंने कलर बना लिया था उसके लिए ग्रीन में थोड़ा वाइट मिक्स करके, और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस का फॉलो करके हम सारे पार्ट्स को कलर कर लेंगे। गाइस, मुझे पता है कि अभी ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, अभी मैं उतना फिनिशिंग पे भी नहीं ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद हम पेंसिल कलर से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सारे डिटेल वर्क जो होगा वो हम पेंसिल कलर से करेंगे। अभी बस हम रैंडमली सारे शेप्स में सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कलर फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने स्किन कलर बना लिया एंड अब स्किन को फिल करेंगे। फेस पे मैं उतना ज़्यादा कलर्स नहीं अप्लाई करना चाह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे एरियाज है जैसे लिप्स ये सब, तो उसमें कलर वाटर के थ्रू कलर मिक्स होने का बहुत ही चांसेस रहेगा। सो अभी राइट अवे ये पेंटिंग तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, एंड गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी इस पेंटिंग को जज ना करें। एंड मैं आपको भी यही बोलूंगी कि काफी टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा कुछ पेंटिंग स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम उसको फाड़ देते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा पेशेंटली अगर किसी चीज पे मेहनत करेंगे तो उसका एंड प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। तो अब यहाँ पे मैंने पेंसिल कलर से कलरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सो अब मैं पेंसिल कलर से बेसिकली जो भी पार्ट्स है उस पर मैं पहले अंडरलाइन कर रही हूँ पेंसिल कलर से, एंड फिर उसको आगे के शेप्स के साथ मैं मर्ज कर दूंगी। सो इससे हमारा एक डेप्थ भी क्रिएट होगा ड्राइंग में, एंड जो भी पार्ट्स होंगे ना वो थोड़े और अट्रैक्टिव भी लगेंगे एंड थोड़ा 3D फील आएगा इस पेंटिंग में। तो यही मानती हूँ कि पेंटिंग से जान उसी के चलते आता है, उसी के चलते पेंटिंग और अट्रैक्टिव लगता है। यही सेम प्रोसेस का फॉलो करके हम सारे शेप्स को कलर करेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे जितने भी लाइंस क्रिएट किए हैं उसको मर्ज करने का ट्राई करेंगे सारे पार्ट्स के साथ। एंड अगर आप ये पेंटिंग को रिक्रिएट कर रहे हैं तो आई विल लव टू सी दीज पेंटिंग्स। यू कैन शेयर विथ मी थ्रू ईमेल, और यू कैन ऑल्सो टैग द स्टाइलाइज क्राफ्ट ऑन इंस्टाग्राम।
स्किन टोन में हम स्किन कलर बहुत लाइट होता है, इसीलिए उसके साथ हम मैं लाइट ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ कि उसमें थोड़े स्किन के भी जितने पार्ट्स हैं उसमें थोड़े ग्रेडियंट आए। सेम प्रोसेस का फॉलो करके मैं सारे पार्ट्स में कलरिंग फिल करूँगी। बस कुछ नहीं करना है हमें जो भी हमारा कलर्स है उससे जितने भी शेप से पहले उसको आउटलाइन कर लेंगे हम, एंड धीरे धीरे करके हम उसको मर्ज करते जाएंगे अपने बाकी के पार्ट्स के साथ। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो। अगर आपको जैसा भी ये पेंटिंग लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। एंड आपको क्या लगता है कि इसका एंड प्रोडक्ट अच्छा हो पाएगा? अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा हो पाएगा तो फिर प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेन ऑब्जेक्ट कलर हो गया, जैसे जास्मिन हमारा कलर सारा फिनिशिंग हो गया है, सो अब हम अपने बैकग्राउंड पे स्टार्ट करेंगे कलर फिल करना। तो बैकग्राउंड के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस का फॉलो किया है। पहले मैं सारे शेप्स को आउटलाइन करूँगी, फिर धीरे धीरे करके उसको मर्ज करते जाऊँगी। और आउटलाइन के लिए हम डार्कर ही टोन्स यूज़ करेंगे, जिससे वो मर्ज होगा लाइटर टोन के साथ, तो वो एक ग्रेडियंट वाला इफेक्ट आएगा। वही सेम प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोग को सब समझ आ रहा होगा। सारे शेप पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं हमारा इमेजिन करके कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट एक साइड से आ रहा है, अब हम अपने ड्राइंग के एक साइड्स पे हाइलाइट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैं वाइट पेंट का यूज़ कर रही हूँ, एंड वाइट पेंट से मैं धीरे धीरे अपने पेंटिंग में पेंटिंग के एक साइड पे हाइलाइट ऐड करने का ट्राई करूँगी। इससे हमारा जो पेंटिंग होगा वो पूरा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमारा पेंटिंग यहाँ हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।